वेल दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता? सभी लोग करते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है, और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में सूझ के शॉपिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप लोग कई वेबसाइट का यूज करते हो, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और क्लब फैक्ट्री हो गया। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ सूझ के लिए। सूज में क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे साइज में रहता है 6 UK, 7 UK, 8 UK, इस तरह से UK रहता है, मतलब इस तरह से कई साइज रहती हैं। तो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सी साइज़ का हमें सूज लेना है। तो ये वीडियो बस इसी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो बेल का आइकन बजा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सा साइज़ हमारे लिए बेस्ट रहेगा या कौन सी साइज़ का हमें सूज लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा सब चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, UK है 0 और इंडिया है 0। UK है 0.5 और यहाँ पर भी 0.5, मतलब UK और इंडिया का जो है यहाँ पर सेम है, ठीक। जो साइज़ होता है सेम साइज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ, अगर मुझे सूज लेना होता तो मैं 7.5 नंबर का सूज लेता, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया और UK ये तो कंपलसरी रहता ही है, UK ज़्यादातर रहता है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी मिल जा रहा है, बट यहाँ पे इंडिया का जो आपको, अगर आप इंडिया से तो इंडिया का ही लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 7 नंबर, 6.5 नंबर, 7.5 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पे देख सकते हो नंबर दिया गया है। तो ये जो इंडिया वाला है, अगर इंडिया रहता तो ठीक है, नहीं तो UK में आप इसको 7 या 8 नंबर जैसे समझते हैं। इंडिया की साइज़ जो होती है यही है UK की, ठीक। तो अगर आप सूज, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई सूज खरीदना है तो मैं 7 UK का लूँगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आप इन सभी सूज का साइज़ डिसाइड कर सकते हो और आसानी से इसको बाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।